पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस की एलएसी पैलेस में पीएम मोदी का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने पेरिस में होटल प्लाजा एथनी के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि तीन देशों की अपने यूरोप की यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी बुधवार को पेरिस पहुंचे हैं। पीएम यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय एवं आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पेरिस पहुंचते ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा था, पेरिस पहुंच गया हूं। फ्रांस भारत के सबसे मजबूत साझेदारों में से एक है। दोनों देश विविध क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं इमैनुअल मैक्रों। बता दें कि पिछले हफ्ते मैक्रों दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी और कहा कि मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रों को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी की यह फ्रांस यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं और फ्रांस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है। 2017 के बाद से पीएम मोदी की 5वीं फ्रांस यात्रा अगस्त 2019, जून 2017, नवंबर 2015 और अप्रैल 2015 के बाद मोदी की यह 5वीं फ्रांस यात्रा है। इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी मार्च 2018 में भारत का दौरा कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2021 में G20 रोम शिखर सम्मेलन, जून 2019 में G20 ओशाका शिखर सम्मेलन और दिसंबर 2018 में G20 ब्यूनस आयर्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की थी। जी आपको बता दें कि भारत और फ्रांस 1998 से रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, असैन्य परमाणु, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण, आतंकवाद का मुकाबला जैसे कई मुद्दों पर साझेदारी है। भारत और फ्रांस नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।